I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't. तुगलुक बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म जवान का लगातार दो गाने यानी जिंदा बंदा और चलिए सॉन्ग के बाद अब तीसरे गाने का भी टीजर रिलीज कर दिया गया है जिसका टाइटल होने वाला है नॉट रमैया भस्तमैया। और मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान के जितने भी फैंस थे वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करके बैठे थे कि इसका तीसरा गाना भी आने वाला है, क्योंकि सबको यही उम्मीद थी कि जवान का सीधा ट्रेलर आएगा। लेकिन शाहरुख खान की स्ट्रेटजी कुछ अलग है, उन्होंने पहले इसका सॉन्ग रिलीज किया। और मैं आपको बता दूं कि जब इस सॉन्ग की अनाउंसमेंट हुई थी तो बहुत सारे हेटर्स लोग ऐसा बोल रहे थे कि एक फिल्म जो आई थी रमैया भस्तमैया उसकी रीमेक सॉन्ग होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं ये सॉन्ग सुनकर आपको कैसा लगा, ये पूरा ओरिजिनल माल है। अब इस रमैया भस्तमैया सॉन्ग के टीजर के अंदर एक और ट्विस्ट है, इसका जो रिलीज डेट है, इसका सॉन्ग का जो एग्जैक्ट रिलीज टाइम है इसको बताया नहीं गया। मतलब इसका सॉन्ग जो है कभी भी आ सकता है, आज आ सकता है, कल आ सकता है या परसों आ सकता है। और शाहरुख खान ने जब अपने ट्विटर हैंडल पर रमैया भस्तमैया सॉन्ग के टीजर को अपलोड किया तब वहाँ उनका जो कैप्शन था वहाँ पर लिखा हुआ था कि इसका ट्रेलर के ऊपर बहुत ही जल्द काम शुरू होने वाला है। और ये टाइटल देखकर ये चीज तो साफ हो जाती है कि जो लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इसका ट्रेलर आएगा या फिर नहीं, तो ये कंफर्म हो जाता है कि इसका ट्रेलर आएगा यानी जवान का प्रीव्यू 2 आने वाला है। बाकी कब आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन ट्रेलर से पहले सॉन्ग जरूर आएगा ये कंफर्म हो चुका है। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोग जवान के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, अपना ओपिनियन कमेंट बताओ। वीडियो चलेगी तो लाइक करो, तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय और गुड बाय।